इंदौर में 3 दिवसीय वैक्सीनेशन महोत्सव मनाया जा रहा है। इसका मकसद ये है कि 3 दिनों में सभी आम जनता को वैक्सीन के प्रति जागरूक किया जा सके। वहीं 45 से अधिक उम्र वालों के लिए टीकाकरण तेजी से हो रहा, जहां अभी लोग वैक्सीनेशन लगाने से पीछे हट रहे हैं, जिसको लेकर जिला कलेक्टर मनीष सिंह ने सेल्फ केयर ग्रुप के साथ बैठक की। इंदौर में जिला प्रशासन द्वारा नगर निगम को निर्देशित किया गया है कि मास्क न पहनने वालों पर कार्रवाई करें, जरूरत पड़ने पर अस्थायी जेल में भी भेजें और वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता बढ़ाएं। वहीं शहर में तेजी से वैक्सीनेशन महोत्सव चल रहा, जिसमें लोग खुशी से टीका लगवा रहे हैं, तो वहीं कई लोग डर में टीका नहीं लगवा रहे हैं। ऐसे में उनके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी उनकी खुद की होगी, जिसको लेकर इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने मीटिंग के दौरान कहा कि इंदौर में करीब 220 वैक्सीनेशन सेंटर खोले गए हैं और जिला प्रशासन की है मंशा है कि शहर में करीब 275 केंद्र खोले जाएं। यह सभी जनता के हित को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा। अभी कोरोना वायरस का एकमात्र उपचार वैक्सीन ही है। अगर 20 अप्रैल तक सभी 45 पार के लोग ईमानदारी से वैक्सीन लगवा लेते हैं तो उम्मीद की जा रही है कि मई माह में 45 से ऊपर के मरीजों की संख्या इंदौर में ना के बराबर होगी। धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब की यही खासियत है कि हम लोग भी मोटिवेट कर देते हैं और आप लोग भी मोटिवेट हो गए। यही खासियत है डॉक्टर साहब की। आप लोगों का यस सर बोलने में कॉन्फिडेंस दिखा हमको, अच्छा लगा सुनकर, जिस दम से आप लोगों ने बोला ये। और इसमें एक ये भी कर सकते हैं कि अपन अखबार में पढ़ा भी होगा डॉक्टर निशांत करेगा नाम, जितना भी कोविड का मैनेजमेंट और स्ट्रगल चल रहा है सब सही रूप से कर रहे हैं। सभी जनप्रतिनिधि डॉक्टर साहब से पहली डोज कैसे कमाऊंगा, सेकेंड डोज में कैसे कमाऊंगा, तो क्वेश्चन जो वहाँ पर रहता है लोगों का वो दूसरा चौथे सप्ताह है, उसमें से 250 ने लगवा लिया हुआ, 150 बचे हैं उसमें, उन 150 को चुनने का काम आप कर सकते हो। 150 कन्विंस करके उनको आइडेंटिफाई करके और आप वैक्सीन सेंटर तक भेजो, आप जो है वो आप काम कर सकते हो। बहुत इफेक्टिवली खासकर ऐसे क्षेत्र जो बस्ती क्षेत्र हैं उनमें आप लोगों का जो प्रचार प्रसार रहता है वो सबसे ज्यादा रहता है। तो जो एक मोटी मोटी गणना हम लोगों ने यहाँ पर की है वो इस तरीके से है कि अपने पूरे, अगर मैं नगर निगम सीमा क्षेत्र की बात करूँ, अपने पास 45 वर्ष से ऊपर की आयु के लगभग 6 लाख लोग हैं, यानी 6 लाख लोग ऐसे हैं जिनका टीकाकरण किया जाना है। इन 6 लाख लोगों में अगर हम लोग एवरेज माने तो हर वार्ड में लगभग 6 से 6,500 लोग आ रहे हैं जिन्हें हम लोगों को टीकाकरण जिनका होना है। तो आप लोगों को जो भी एक पेपर दिया गया है जिसमें आप लोग देख रहे होंगे लगभग 212-213 अस्पतालों की या वार्ड में जो जगह बनाई गई है जहाँ पे टीकाकरण चल रहा है, हर वार्ड में एवरेज 2 से ज्यादा ही अब टीकाकरण केंद्र है। तो जो आपको सूची दी गई है अपने लोगों को करना ये है कि हम लोगों ने जो यहाँ टोटल गणना की कि अपने लगभग 250 समूह ऐसे हैं जो बिल्कुल एक्टिव समूह है, यानी जो सक्रिय हैं और लगातार कोई ना कोई गतिविधि अपने यहाँ करते रहते हैं या किसी न किसी आजीविका के काम में लगे हुए हैं। सक्रिय समूह से फायदा ये होता है कि कई सारे लोग उनके संपर्क में आते हैं लगातार, वो भी कई सारे लोगों के संपर्क में आते हैं। तो अगर हमारे 250 समूह के कुल महिलाएं मिलाकर सदस्य मिलाकर अगर हम लोग देखें तो 2,500 लोग हो गए। तो अगर 2,500 लोग ये टारगेट रखते हैं कि वो 100 लोगों का वैक्सीनेशन कराएंगे तो इस लिहाज से हम लोग लगभग 2,50,000 लोगों का वैक्सीनेशन पूरे शहर में करा सकते हैं।